दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNF न्यूज लाइव चैनल पर। जैसा कि मैं हर बार एक नए विषय को लेकर आपके सामने आता हूं, आज भी एक इस देश का सबसे गंभीर विषय लेकर मैं आपके सामने आया हूं। वैसे तो देश आज भारत देश युवा देश है, क्योंकि देश में बड़ी संख्या में मतदाता युवा वर्ग है, लेकिन आज देश भटका और गुमराह है। देश में जरूरी सुविधाओं का अभाव है, लेकिन देश की राजनीति राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनके इर्द गिर्द ही जैसे देश सिमटा है। आज देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार और रोजगार से जुड़े संसाधन है, जैसे कि किसानों की समस्या, फसलों से संबंधित बीज खाद और जरूरी सिंचाई व्यवस्था, शिक्षा से संबंधित कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी, इनका विकास, स्वास्थ्य सेवाओं में दवाइयां, अस्पतालों की कमी, अस्पतालों में डॉक्टर्स और अन्य कर्मचारियों की कमी, इन सारी समस्याओं के बावजूद देश में क्या यह 6 लोग ही हैं जिनके इर्द गिर्द यह देश चल रहा है। देश की राजनीतिक समस्या सिमट जाती है, जैसे कि देश में हाल ही में एक धमाका हुआ, जिस धमाके में देश में राफेल, महंगाई, बेरोजगारी, स्वर्ण आरक्षण, 13 पॉइंट रोस्टर और किसानों की दुर्दशा, देश की जरूरी मुद्दों को इस धमाके ने मानो गायब ही कर दिया। लगभग देश में कांग्रेस की दावेदारी मजबूत होती है तो भाजपा वार करती है, और भाजपा का वोट बैंक बढ़ता है तो कांग्रेस अपनी राजनीतिक पारी संभालने के लिए नया चेहरा को राजनीतिक स्पीच पर उतारती है। ठीक इसी प्रकार देश बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है और हमारे नेता जरूरी मुद्दों को छोड़ अपनी सियासी बाजू को मजबूत करने में लगे हैं। क्या है हमारे देश का भविष्य? इस सवाल पर आज कोई भी राजनेता या वक्ता बहस करने के लिए तैयार नहीं है। दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें।